वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारे देश में और विदेश में भी काफ़ी सारी ऐसी पावर्स है जिसको लोग मानते हैं। कई लोग उनके डर से, जो ब्लैक मैजिक है, जैसे कोई तंत्र मंत्र है, तो उसके डर से काफ़ी लोग जो है जो तागे बांधते हैं, तावीज़ बांधते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, कई पिलग्रिमेज जाते हैं, कई लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो जो है कई जगहों पे जाके वो जो थ्रेड्स है वो बांधते हैं, कई कुछ करते हैं, कई तीर्थ स्नान करने जाते हैं, कई लोग बहुत कुछ करते हैं, कई लोग जो है वो पैर में तागा बांधते हैं, कई लोग अंगूठियां पहनते हैं कि ये चीज़ घट जाए या जो इच्छा पूरी करनी होती है। सो क्या वो ब्लैक मैजिक, पहली बात जो ब्लैक मैजिक है या जो सुपर नेचुरल पावर्स जैसे होती हैं, जैसे हम भूत प्रेत ले लें या डीमंस ले लें या कुछ भी ले लें या देवी देवते ले लें, ओके। सो वी विल सी इन दिस सेशन कि ये सब क्या होता है एंड डू दे हैव इफेक्ट इन आवर लाइव्स, वो हमारे हमको इफेक्ट करते हैं और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। सो अभी जो है गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ वो एक ऐसे देश में जाते हैं विच इज रूल्ड बाय वुमेन, वो जो महिलाएं हैं वो रूल करती हैं, और कैसी महिलाएं हैं उसका भी जिक्र आया है। वो महिलाएं जो हैं दे आर मैजिशियंस, वो जैसे तंत्र मंत्र करके जो है वो लोगों को परमाती हैं, एक तरीके से अपने वश में करके दे मेक देम डू देयर वर्क, ओके। सो ये एक वैसा देश में गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ जाते हैं एंड वहाँ पर जो है जहाँ पर ये संगत जी ये सब चीज़ें आ जाती हैं ना संगत जी, तो वहाँ पर फिर कहीं भी धर्म नहीं रहता, कहीं भी राइटिसनेस नहीं रहती। सो माया की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जब हम माया वर्ड की बात करते हैं, सो सबसे पहले जो चीज़ जो दिमाग में आती है सब लोगों के, दैट माया मीन्स मनी। लेकिन जो माया है वो इन सब चीज़ों माया बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं माया में। सो एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम गॉड, कोई भी चीज़ जो है जो आपको भगवान से दूर कर रही है, उस भगवान की याद से आपको दूर कर रही है, वो माया के अधीन आ जाता है। सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माया और अपनी अपनी अवस्था के हिसाब से वी फेस प्रॉब्लम्स इन आर लाइफ। जैसे कई लोगों को ऐसा होता है कि मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिली, मुझे घर वैसा घर क्यों नहीं मिला, ओके। जैसे छोटे बच्चों को होता है कि मुझे वैसी साइकिल क्यों नहीं मिली। सो दीज आर लाइक काइंड ऑफ स्टेबल थिंग्स जो हिलती नहीं, अनमूवेबल। फिर कई जो होते हैं आपने कई प्रकार के जो इंसान देखे होंगे जिनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इतना फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन उनको जो वासनाएं हैं वो तंग करती है अंदर से। जैसे हमने काम के बारे में, लस्ट के बारे में पिछले सेशंस में डिस्कस किया था। फिर कई लोग ऐसे होंगे कि उनकी अवस्था जब और भी आगे बढ़ती है सो उनको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड जब जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो आपके जो टेस्ट्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। सो उनमें से एक चीज़ जो आती है वो है रिद्धियाँ सिद्धियाँ। सो एक लेवल पे आके जो है एक मनुख जब एक स्पिरिचुअल लेवल तक पहुँच जाता है तो उनको जो है स्पिरिचुअल पावर्स मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कई बार कि जो योगी होते हैं उन्होंने ऐसे तंत्र मंत्र कर दिया ना, वी सी मैनी मूवीज लाइक दैट। सो वो इसके लिए होता है कि वो जब स्पिरिचुअल पावर्स आती हैं तो जब इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल दैट। अगर आप सोचो कि यू हैव गॉट द पावर कि आप जो भी बोल रहे हो वो सच होता जा रहा, सो एक स्टेज आएगा कि जब आपको ईगो आ जाएगी अंदर से, ईगो आ जाएगी कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, बट इन फैक्ट रियलिटी में क्या हो रहा है कि आप भगवान से दूर चले गए। क्यों? क्योंकि कर्ता पुरुष कौन है? भगवान। तो वो इट हैज डिस्ट्रैक्टेड यू। सो ये जो है ये भयानक होती जाती है जैसे। सो जब गुरु महाराज गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ उस देश में जाते हैं जहाँ पर जो महारानी नूर शाह उनका नाम होता है, जो मेन क्वीन होती है, और वो बहुत बड़ी मैजिशियन होती है, ओके। सो भाई मर्दाना जी को बहुत प्यास लगती है वहाँ पर। सो वो गुरु नानक देव जी पातशाह को वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो गुरु महाराज तब उनको एक इंडिकेशन देते हैं कि ये जो टाउन है, ये जो शहर
जो है ये कंट्री जो है जहाँ पर जहाँ से हम आए हैं ये उचित नहीं है। लेकिन भाई मर्दाना जी को प्यास बहुत लगी होती है, तो गुरु महाराज कहते कि गुरु महाराज उनको आज्ञा दे देते कि जाओ आप पी के पानी। भाई मर्दाना जी जो है वो जाते हैं घर पे, वो एक घर पे जाके बाहर दरवाजा खटखटाते हैं और वहां से एक महिला बाहर आती है। जब वो देखती है कि उनकी जो वेशभूषा है भाई मर्दाना जी की वो बहुत डिफरेंट है उस देश से, तो उनको पता चल जाता है कि ये कोई बाहर से कोई आए हैं। जब भाई मर्दाना जी उनको बोलते हैं कि उनको प्यास लगी है, तो वो जो महिला है उनको अंदर बुलाती है और उनको बिठाती है आराम से पलंग। भाई मर्दाना जी जो है उनको उनके साथ वार्तालाप करते हैं नॉर्मल, जो जैसे हम बातचीत करते हैं कि आप कहाँ से आए हो, तो भाई मर्दाना जी वहां पर जवाब देते हैं कि हम पंजाब देश से आए हैं, एक देश है दूर का लाइक पंजाब, वहां से हम आए हैं और हमारा जो वी आर काइंड ऑफ ट्रैवलर्स, जैसे उन्होंने पूछा कि आप काम क्या करते हो, दे सेड दैट वी आर ट्रैवलर्स। वैसे करते करते जब वो पानी लेके आती है, वो जो मैजिशियन होते हैं, वो जैसे जैसे ही पानी लेके आती है वो फटाफट क्या करती है कि जो भाई मर्दाने जी के जो गले में ना वो एक तावीज बांध देती है। सो तावीज इट्स लाइक अ थ्रेड। तो वो जब तावीज बांध देती है तो भाई मर्दाना जी जो है वो एक शीप में बदल जाते हैं, एक भेड़ में बदल जाते हैं। तो जब वो एक भेड़ में बदल जाते हैं सो शी स्टार्ट्स लाफिंग, ओके, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा है वो पूरी बदल गई है, उनके कंट्रोल में है सब कुछ। तो जब वो एक बकरी के रूप एक भेड़ के रूप में वो जब वो उनका जो फॉर्म है वो चेंज कर लेते हैं, एंड वो जो महिला है वो क्या करती हैं कि भाई मर्दाना जी को ना, जो कि अब एक भेड़ है, वो एक पोल पे बांध के और फिर वो बाहर पानी लेने चली जाती। तो अभी गुरु नानक देव जी पातशाह बाहर उस शहर के बाहर भाई मर्दाना जी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई मर्दाना जी बहुत देर होगी, भाई मर्दाना जी आए नहीं। तो गुरु महाराज वहां पर 2 घड़ियां वेट करते हैं, इट्स अबाउट लाइक वन 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 एंड हाफ आवर्स। तो जब जब उन जब वो वेट करते हैं उसके बाद वो भाई मर्दाना जी की खोज में निकलते हैं। तो जैसे गुरु नानक देव जी पाशा आगे जाते जा रहे हैं तो वो जो सेम जो महिला है जिन्होंने भाई मर्दाना जी पे जो मैजिक किया होता है, जो तंत्र मंत्र उन्होंने किए होते हैं भाई मर्दाना जी के ऊपर, सो वही सेम जो महिला है वो अपने सिर पे मटका लेके जा रही होती है तो पानी भरने के लिए। तो जैसे ही वो गुरु नानक देव जी पातशाह के पास आती हैं तो गुरु नानक देव जी पातशाह जो अंतर्जामी है उनको पता है कि क्या कौन सी घटना क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो वो गुरु महाराज उनसे पूछते हैं कि आपने कोई मेरे मेरे साथ एक भाई मर्दाना जी आए थे, आपने देखा उनको, वो अभी अभी शहर के अंदर आए थे, वो उनको प्यास लगी थी, तो आपने कहीं उनको देखा। तो भाई जो वो महिला है वो क्या कहती हैं कि वो झूठ बोलती हैं, वो कहती हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो कौन है कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो तब गुरु नानक देव जी पातशाह उनको पूछते हैं कि मैंने तो मेरी आंखों से देखा कि वो आपके घर के बाहर गए और जब आपने उनको अंदर बुलाया वो वापस बाहर ही नहीं आए। तो जैसे ही ये चीज गुरु महाराज बोलते हैं तो वो जो महिला है वो गुरु नानक देव जी पातशाह पे वो मंत्र बोलने की कोशिश करती हैं लेकिन कोई असर नहीं होता गुरु महाराज के ऊपर। और इंस्टेंट क्या होता है कि गुरु महाराज जब फिर गुरबाणी की पंक्ति उचारते हैं तो वो जो मटका है विच इज काइंड फुल ऑफ वाटर, तो वो उनके सिर पे चिपक जाता है। तो एक तरीके से वो जो महिला के जो हाथ हैं और जो मटका है वो ऊपर ही रह गया उनके सिर के ऊपर और वो निकल नहीं रहा। सो नाउ यू कैन इमेजिन कितना वो भार है एंड वो एक तरीके से फंस चुके हैं। वो बहुत तड़पती हैं, वो पहले कहती वो फिर भी कहती कि मुझे नहीं पता। और वो फिर क्या होता है कि ये जो खबर है जैसे जो शहर के जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए एंड देन जो न्यूज़ है वो पहुंच जाती है जो नूरशाह जो वहां की क्वीन है, जो मेन क्वीन है। तब तक गुरु नानक देव जी पातशाह उस घर में जाते हैं और जो भाई मर्दाना जी जो कि बंधे हुए हैं अभी एक 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 पोल के साथ, तो गुरु महाराज वहां पर वाहेगुरु मंत्र बोलते हैं।
तो वाहेगुरु मंत्र की जो ताकत है इतनी ज्यादा होती है कि वो जो तावीज है वो टूट जाती है और भाई मर्दाना जी कम्स इन बिकम्स नॉर्मल, एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आ जाते हैं और गुरु नानक देव जी पातशाह वहां से चले जाते हैं। तो जब ये खबर जो है जो नूर जब नूर शाह तक पहुंचती है तो नूर शाह क्या करती है कि वो सब जितने भी उनकी जो मिनिस्ट्री और उनके जो बड़े बड़े शहर के जो बड़े बड़े मैजिशियंस होते हैं उनको गुरु नानक देव जी पातशाह के पास भेजने का वो यत्न करती हैं। लेकिन उससे पहले कि वो गुरु महाराज के पास जाएं वो सबसे पहले प्रयत्न करती हैं कि वो जो उनके जिनके सिर पे मटका अभी है जो चिपक चुका है उनको पहले ठीक किया जाए। तो वो जो जितने भी जो मैजिशियंस हैं वुमेन मैजिशियंस तो वो जो अपनी पूरा जो पावर है वो दिखाते हुए जाती, कई जो है वो मुंह से आग उगल रहे हैं, कई जो है वो एक यू नो एक ट्री है उसको अप्रूट करके आ रही है, वो उड़ते हुए आ रही है। ओके सो इट्स अ काइंड ऑफ के वो अपना जो पावर है दे आर शोइंग ऑफ देयर पावर्स। तो जब वो उस महिला के पास पहुंचती है जिनके सिर पे वो मटका फंस चुका है एक तरीके से, तो वो यत्न करती हैं, वो बहुत सारे मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, बहुत कुछ करती हैं, दे ट्राई मैनी थिंग्स मैनी टेक्निक्स, लेकिन वो मटका एक इंच भी नहीं हिलता। तो तब उनको ये एहसास हो जाता है कि ये जो पावर है इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये एक कोई आम पुरुष नहीं है जिन्होंने किया। फिर वो वापस नूर शाह के पास जाती है और जो पूरी जो बात हुई होती है तो वो नूर शाह को बताती है कि ये ऐसी ऐसी चीज हुई है। तो नूर शाह जो है वो अपने जो ग्रंथ से उनके एक पर्टिकुलर ग्रंथ होता है जहां पर उन्होंने सब जो मंत्र होते हैं सबसे जो पावरफुल मंत्र है वो उन्होंने लिखे हुए होते हैं, सो शी नोट्स देम डाउन। और फिर जो नूर शाह है अपने मिनिस्टर्स के साथ उड़ के वो उस जगह पे पहुंचती हैं जहां पर वो महिला बैठी हुई है अपने मटका सिर पे लेके। फिर नूर शाह भी बहुत प्रयत्न करती है, शी ट्राइज मैनी स्टफ, वो बहुत ट्राई करती है कि ये जो मटका है वो हिल जाए या निकल जाए एक तरीके से, लेकिन वो नहीं हो पाता। और आप सोच लो कि एक तरीके से जो भार है, यू इमेजिन कि आपके सिर पे एक बहुत भारी चीज रख दी गई है एंड आप एक घंटे तक वैसे ही बैठे। ओके सो वो जो चीज है वो बहुत तंग करनी शुरू हो गई है। तो नूर शाह जैसे वो आई उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया कि वो निकल जाए एक तरीके से, लेकिन वो नहीं निकलता। तो अभी जो नूर शाह है उनको ये अंदर से ये एहसास होना शुरू हो गया कि ये कोई आम पुरख नहीं, ये जिन्होंने किया कोई आम पुरख नहीं, क्योंकि आज तक जो भी उस शहर में आए होते हैं उन सबको वश में किया जा चुका होता है। कई जो संत भी आते हैं उस शहर में, कई फकीर आते हैं, तो कई जो ट्रैवलर्स आते हैं उस शहर में, तो उन सबको पॉजेस किया जा सकता था। ऐसे पहली बार हुआ था कि उनके जो मंत्र थे वो जो मैजिक स्पेल्स थे वो काम नहीं किए। तो फिर अभी क्या होता है कि जो वो जो सब जो महिलाएं हैं शहर की दो हु आर मैजिशियंस सब सबको तंत्र मंत्र आते हैं हु हैव द स्पिरिचुअल पावर्स, तो वो गुरु नानक देव जी पातशाह के पास जाती हैं। सो उससे पहले यू नो हम कुछ कंसेप्ट हम देखते हैं इससे पहले कि नूर शाह गुरु नानक देव जी के पास जाएं एंड हम उस पर डिस्कशन करें कि क्या हुआ था आगे, गुरु महाराज ने कौन सा उपदेश दिया नूर शाह को। उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की कि गोस्ट स्पिरिट्स, ओके इसका जो दृष्टांत है ये एक जो चीज है ये बहुत बारी इतिहास में भी आया है इसका जिक्र। सुखमनी साहब में एक पंक्ति आती है कि कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज, वहां पर सुखमनी साहब में कई तरीके के जो जीव जंतु हैं इस यूनिवर्स में तो उनकी बातें की जाती है। तो उसमें से एक पंक्ति आती है कि कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज, सो भूत मीन्स गोस्ट, प्रेत मीन्स स्पिरिट्स एंड जो सुकर मृगाज, सुकर मीन्स पिग्स एंड मृगाज मीन्स टाइगर्स। सो गुरु महाराज कहते हैं कि देर आर मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ
दीज थिंग्स। तो जैसे कि एक एक जो दुनिया है जो हमें दिखती है और उसकी हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं जो हम सब सेशंस में डिस्कस करने जाते हैं। सो जो दूसरी जो दुनिया है विच इज अनफोर्सिन, उसके बारे में इस सेशन में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो एक जो साखी जो आती है वो भाई हरनाम बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़ा से आती है। सो उनकी एक बुक है इफ एनीवन वांट्स टू रीड, इट इज अबाउट हिज लाइफ। तो से कन्हैया नाम है बुक का। सो से कन्हैया में इसका जिक्र आता है इस चीज का कि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन होता है, सो वी ऑल नो कि जो पंजाब है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो जब बाबा हरनाम सिंह जी जो हैं वो भारत वाले साइड में आते हैं और वहां पर एक रामपुर खेड़ा नाम की जो जगह है, जैसे आपने देखा कि जो नाम है बी से हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, सो इट इज नॉट के वो उनकी सरनेम है, इट इज अबाउट कि वो हरनाम सिंह जी बहुत सारे हो सकते हैं, हाउ वी विल आइडेंटिफाई हिम। सो रामपुर खेड़ा इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ से वो जहाँ पे वो रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो रामपुर खेड़ा जो जगह थी इट वॉज अ बैरन लैंड, वो एक उजाड़ जगह थी, वहां पर कुछ भी नहीं उगता था। एंड एक तरीके से वहां पर एक उजाड़ एक उजाड़ लैंड है एंड वहां पर कोई भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि लोगों में एक एक चीज थी कि कोई भी वहां पर जब कोई टिकाना लगाने की कोशिश करता था तो वहां पर जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो इफेक्ट करती थी उस जगह पे। अभी हुआ क्या कि हरनाम सिंह जी आते हैं वहां पर और उनके एक मित्र होते हैं भाई गुरबख्श सिंह। तो हरनाम सिंह जी के पास कोई टिकाना नहीं होता अभी के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो गुरबख्श सिंह को बोलते हैं कि वो टेम्पररीली जो टिकाना है वो रामपुर खेड़ा में रखेंगे करेंगे। तो वहां पर वो एक एक केव बनाते हैं अपनी भक्ति करने के लिए और वहां पर वो अरदास विनती करते हैं गुरु महाराज को कि 40 दिन के लिए वो मूल मंत्र का जाप करें। सो मूल मंत्र मीन्स जैसे आपने संगत जी काफी जगह पे हमने डिस्कस भी किया है एंड मूवीज में भी बहुत बार आता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक खुशी की सच। तो उन्होंने अरदास की होती है कि मूल मंत्र का वो जो जाप है वो 40 दिन तक करेंगे। तो फिर वो एक टेम्पररी टिकाना बनाते हैं, कई लोग उनको रोकते हैं कि आप मत बनाइए यहाँ पर, लेकिन हरनाम सिंह जी एक तरीके से बेपरवाह होते हैं, केयर फ्री होते हैं, क्योंकि जो भगत जो होते हैं ना भगवान के जो गुरसिख होते हैं दे आर केयर फ्री, एक तरीके से वो सोवरन है वो अपने आप में। तो वो वहां पर भक्ति करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक मुस्लिम फकीर आते हैं वहां पर। सो जब वो मुस्लिम फकीर आते हैं तो वो हरनाम सिंह जी को कहते हैं कि मेरी जगह है जहां पर तुम रुके हुए हो। तो हरनाम सिंह जी जो है वो गुरबानी के रस्म में होते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ पर रह सकते हो लेकिन मैंने अरदास की है भगवान से कि मैं 40 दिन तक जो है मूल मंत्र का जाप करना मुझे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर आप इस जगह पे रह सकते हो। तो वो जो फकीर थे वो इतने गुस्से में आ गए क्योंकि उन्होंने एक बताई, उन्होंने ये चीज बताई, ये फ्रस्ट्रेशन बताई कि वहां आने से पहले उन्होंने इतना कुछ इतने स्पेल्स ट्राई किए हरनाम सिंह जी को वश में करने के लिए लेकिन कुछ भी वहां पर वर्क नहीं किया। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप यहीं रहो, मैं यहां से जा रहा हूं, आई एम लीविंग दिस प्लेस। इससे पहले जो भी यहां आता था मैं उनको टिकने नहीं देता था, मैं ऐसे जादू तंत्र करता था कि लोग डर के भाग जाते, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जो स्पेल्स है ये जो मैजिक है वो यहाँ पर काम नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद वहां पर जो भक्ति है वो चलती है गुरु हरनाम सिंह जी की एंड फिर वहां पर एक जटाधारी साधु आते हैं एंड सेम चीज वापरती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स ट्राई करते हैं हरनाम सिंह जी पे लेकिन वो नहीं टिक पाते वहां पर, वो हरनाम सिंह जी के सामने व्यर्थ ही रह जाती है। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स जब रात हो जाती है तब वॉट हरनाम सिंह जी जब अपनी भक्ति से जब आंखें खोलते हैं तो तब वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव थे जिनके मुंह की हालत बिगड़ी हुई है, लाइक इट्स नॉट दे आर नॉट नॉर्मल स्पीशीज, एक नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं दिखते, कई कईयों के डिफरेंट डिफरेंट फेस है, बहुत अगली फेसेस हैं और
बहुत डरावने हैं। तो वो आते हैं हरनाम सिंह जी के पास और वो कहते हैं कि ये जो हरनाम सिंह जी के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही हरनाम सिंह जी जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो जो जितनी भी स्पिरिट्स होती है वो सब गिर जाती हैं एक तरीके से। जब गिर जाती है तो उनमें से जो मेन वाले जो उनके एक तरीके से मुखी होते हैं वो खड़े होते हैं और वो पूरा जो घटना बताते हैं कि हम सब जो हैं, हम सब ने जो है, वी आर स्पिरिट्स, स्पिरिट्स एक तरीके से कि हमने जो पिछला जो जन्म था, वी वर इंडल्ज इन टू ब्लैक मैजिक, वी वर इंडल्ज इन टू मैजिक एंड यहाँ पर हमारा काम यही था कि हम किसी को टिकने नहीं देते थे। लेकिन जो जो मंत्र आप पढ़ रहे हो, जो आपका जो गुरु है वो इतना बलवान है कि हमारे उनके सामने कुछ नहीं चलती। सो दिस वॉज द पावर ऑफ मूल मंत्र जो गुरु महाराज ने कहा। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा कि गुरु महाराज ने वाहेगुरु जैसे ही जो मंत्र है वो बोला तो वो जो तावीज थी वो टूट गई और कोई भी मैजिक जो कुछ भी था वो कुछ भी काम नहीं किया। सो हरनाम सिंह जी की इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि दीज ऑल थिंग्स एग्जिस्ट, लेकिन जब व्हेन जब आप गुरबानी की रजा में रहते हो, जब आप गुरु के हुक्मों की पालन करते हो, जब आप वो गुरबानी का अभ्यास करते हो, सो दीज ऑल थिंग्स डू नॉट इफेक्ट यू इन एनी वे। ओके, एक एक पंक्ति आती है गुरबानी में, विच इट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो गुरु महाराज वहां पर फरमान करते हैं कि शगन अपशगन किसको लगे है जिस चीत ना आवे। यहाँ पर गुरु महाराज फरमान करते हैं कि जैसे हम बहुत सारी चीज रखते हैं, मैनी पीपल फास्ट ऑन थर्सडेज ट्यूजडेज, कई लोग बहुत कहते हैं कि ये चीज की तो अपशगन हो जाएगा, ये शगन मतलब इट्स लाइक ए लकी डे। ओके, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब चीजें किसको लगती है जिसको वो भगवान चित में नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि तिस जम नेड़ न आवी जोहर प्रभ पावे। लेकिन जो जन जो है वो भगवान को जो जो जन जिन जिस पे उस भगवान की कृपा हो जाती है तो उनके सामने वो जो जमदूत होते हैं वो भी नहीं आते, जो जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ है वो भी नहीं आते। तो संगत जी इसमें हम थोड़ा भेद खोलें कि मैसेंजर्स ऑफ डेथ क्या होते हैं। सो हर एक चीज की गुरु महाराज जो जो परमात्मा है उन्होंने हर एक की एक तरीके से ड्यूटी लगाई हुई है। सो जो जन नाम नहीं जपते तो जो जमदूत हैं, सो दे आर लाइक वो एक बहुत डरावने होते हैं। सो वो जब आते हैं तो गुरबानी में फरमान आता है कि जो भी व्यक्ति अपना जो जन्म है वो ऐसे व्यर्थ ही गवा लेते हैं ना, कुछ भक्ति नहीं की उन्होंने, सेवा नहीं कमाई, तो उनको जो जमदूत होते हैं वो सिर से पकड़ के लेके जाते हैं फ्रॉम आर बॉडीज जब हमें हमारी मृत्यु होती है। ओके, और फिर जब वहां पर हमारा लेखा होता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, भक्ति भी की, सेवा भी नहीं की, तो वहां पर फिर हमारे कर्मों के हिसाब से एक एक सेकंड का जो कर्म है उसका हिसाब होता है। 1 सेकंड मीन्स कि अगर आपने 1 सेकंड भी कुछ बुरा सोचा किसी का तो देट विल काउंट, एंड आप सोच लो कि आपके ऐसे कितने सेकंड्स थे और आपके कितने कर्म बन रहे हैं। ओके, सो उसके हिसाब से फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सजाएं दी जाती। लेकिन जब कोई इंसान नाम जपता है तो उनको खुद जो है गुरु साहब खुद लेने आते। और दूसरी चीज जो देखने लायक है कि गोस्ट होते कौन है। सो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, के जो जिन्होंने एक होते हैं कि देवते, जिसको हम देवता बोलते हैं। तो देवता क्या कौन होते हैं कि जिन्होंने नाम जपा होता है, वो नाम उन्होंने इतना जपा होता है कि उनकी रूह बहुत साफ हो गई होती है, लेकिन वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते जहां पर वो भगवान से एक हो जाएं। क्योंकि हमारा जो मिशन है इस लाइफ का, गुरु महाराज फरमान करते हैं रहरास साहिब में के पई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। यहाँ पर गुरु महाराज फरमान करते हैं कि दिस इज योर चांस टू मीट गॉड। आप आए क्यों हो, वाई डिड यू गेट दिस वेसल, ये ह्यूमन शरीर क्यों मिला है आपको। ओके, सो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, भगवान को मिलने का दिस इज योर चांस।
तो जो व्यक्ति वो जो नाम जपते जपते वो एक बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि वो भगवान से एक हो जाएं और वो अपना शरीर छोड़ दें, तो तब ये चीजें होती हैं कि वो वापस उनको ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है ताकि वो अपना जो सफर है वो पूरा कर सकें। लेकिन कोई भी रूह जो होती है, अगर किसी को जन्म लेना होता है ना, तो संगत जी वी ऑल नो कि जब कोई जन्म लेता है सो फादर एंड मदर की कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन फिजिकल कंट्रीब्यूशन के अलावा जो है स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन भी होती है। जो जो भी बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका जो स्पिरिचुअल लेवल होता है दैट इज ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ मदर एंड द फादर। ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब वो भगवान की जो जोत है, गुरु गोविंद सिंह जी पाशाह जब इन्होंने इंसानी रूप लिया था, तो तब उनके पिताजी और माताजी कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिन्होंने 27 साल भक्ति की थी, और माता गुजरी जी जो कि बहुत ज्यादा सेवा पाना थे उनकी, बहुत सेवा कर। ठीक है, तो उनको वो कोख चाहिए होती है ताकि वो अपना जो बाकी का सफर है वो पूरा कर सके। और जो हमारा जो कलयुग का जो समा चल रहा है, तो इट्स लाइक कि वो कुक मिली, इट्स वेरी हार्ड। तो वो जो देवता है, सो दे कांट कम इनटू दिस ह्यूमन बॉडी एंड दे यर्न फॉर दिस बॉडी, इस देही को सिमरे देव। इवन जो देवता है जिनको लोग पूछते हैं देवता को, वो देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक वेसल है, यही एक शरीर है जहां पर हम परमात्मा के साथ एक हो सकते। तो वैसे ही गोस्ट का, भूत प्रेत का क्या होता है? वो नेगेटिव वाली साइड होता है। सो बुला चुका लिखे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।